सर, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम मनोज है और मैं बेसिकली रहने वाला सर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का हूँ और मैं एक एचएम ग्रेजुएट हूँ। और घुमारवीं में मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला था करीबन 5 महीने पहले, और जिसका नाम है पिज्ज़ा स्टोरी। पूरी मार्केट में सब लोग मेरे को जानते हैं किस तरीके से मेरा व्यवहार है। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि परसों रात को करीबन 9:45 से लेके करीबन 10 बजे के बीच में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था सर मनीष, और उसने ऑर्डर दिया हमारे काउंटर पे आके। और उस समय मैं अपने दुकान के जो बाहर फुटपाथ है वहां पे टहल रहा था, मैं अपने फोन पे बात कर रहा था, और वो व्यक्ति आया, उसने ऑर्डर दिया अंदर। ऑर्डर देने के बाद वो बाहर आया और मेरे को उसने बोला कि ओए तू, मतलब बदतमीजी से मेरे से बात करने लगा। उसने मेरे को बोला ओए तू गाड़ी चलाता है? तो मैंने उसको बोला हाँ जी सर मैं गाड़ी चलाता हूँ। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि ये मेरी गाड़ी की चाबी पकड़ और मेरे किसी व्यक्ति को ले गया वहां से। तो जिसपे ऊपर मैंने आपत्ति जाहिर की कि सर मैं आपका कोई इम्प्लॉय थोड़ी ना हूँ कि मैं आपकी गाड़ी लेके जाऊंगा, मैं पिज्जा स्टोरी का ओनर हूँ और मैं आपकी गाड़ी लेके किसी व्यक्ति को कोई सवारी थोड़ी ना लेके आऊंगा, तो मैं आपका कोई नौकर नहीं हूँ। ये चीज मैंने, ये वर्ड मैंने यूज किया था, तो ये चीज शायद उस इंसान को बहुत चुभी और उसने बोला कि रुक तू मैं तेरे को बताता हूँ। गाली गलौज बहुत ज्यादा की जो मैं वैसे बता नहीं सकता, बल्कि मैंने इस FIR में पूरा लिखा हुआ है सर, मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद वो व्यक्ति जो मनीष जिसका नाम है, जिसकी यहीं पे शॉप है, एक नीलकंठ के नाम से उसकी शॉप है, वहां पे वो अपना हार्डवेयर का कुछ सामान बेचता है, अपना बेड वगैरह बेचता है। तो वो इंसान अपनी गाड़ी लेके गया और किसी एक व्यक्ति को लेके आया। तो करीबन 10-12 मिनट बाद जिस व्यक्ति को लेके आया वापस, वो व्यक्ति देखने में लग रहा था इंसान की थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, और अंदर घुसा। उस समय मैं अपने स्टोर के अंदर चला गया था, पिज्जा स्टोरी के अंदर मैं बैठा हुआ था, और जो वीडियो वायरल हुई है आप उसमें भी देख सकते हैं, जैसे मैं बैठा हुआ था तो आते उसने मेरे को माँ बहन की बहुत बहुत गंदी गालियां दी, जो कि मैं वैसे बता भी नहीं सकता। और उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी मेरे को, और मेरे को गले से पकड़ा, छाती से पकड़ा, मेरा सर उसने दीवार पे फोड़ा। उसके बाद मेरे को चोटें भी आई हैं, मैंने अपना मेडिकल भी करवाया, पुलिस वालों ने मेरा मेडिकल लिया। उसने मेरे जो मेरे स्टोर के अंदर जो मेरा काउंटर है, जो मेरा फोन है, काफी सारी चीजें थी, सैनिटाइजर है, वो सारा वहां पे तोड़ फोड़ उसने स्टार्ट कर दी। मेरे काउंटर को जोर से लाते मारी, उसने काउंटर मेरा पीछे की तरफ खिसक गया सारा, सारी की सारी चीजें सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। और ये सारा का सारा जो भी इंसिडेंट हुआ मेरे एम्प्लॉय के सामने हुआ। अच्छी बात ये रही कि जो उसके साथ एक इंसान आया था, जो उसका एक कोई दोस्त था, मेरे को नहीं पता कौन था, उसका मेरे को नाम भी नहीं पता, अगर वो इंसान बीच में नहीं होता, वो नहीं मेरे को बचाता, तो वो शायद वो इंसान मेरे को शायद मार ही देता मेरे को। और वो इंसान मेरे को मारने की धमकी देके गया, मेरे को बोलता कि तू हमीरपुर से है, हमीरपुर तो पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है घुमारवीं। तो उसने हमीरपुर और एक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के घुमारवीं को हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कंपेयर किया है, तो उसका ऐसा लगता है कि हमीरपुर एक पाकिस्तान और जो घुमारवीं है वो हिंदुस्तान है। तो वो चाहता है कि हम बाहर से जो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे वो गलत है, उसको कुछ ऐसी उसकी मंशा दिमाग में, मेरे को नहीं पता क्या है उसके दिमाग में। उस इंसान ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी हुई थी और मेरे को जी बहुत ज्यादा मारा। मैंने उसके बाद ही SHO सर को कॉल किया कि सर उसने मेरे को मारा है इंसान ने। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सर मैंने उस इंसान को टच तक ही नहीं किया, मैं पूरी वीडियो में हाथ जोड़ता रहा, पूरे पूरे इंसिडेंट में हाथ जोड़ता रहा कि सर ये गलत कर रहे हैं आप ये चीजें मत कीजिए मेरे स्टोर में आके। मेरे वहां पे काफी सारे कस्टमर आते हैं, अगर मैं भी वैसी चीजें करता तो एक गलत इम्पैक्ट जाता, गलत इमेज बनती है। तो ये मैंने कोई चीज नहीं की सर, एक पढ़े लिखे इंसान ने मैंने परिचय दिया। और उसके बाद मैंने SHO सर को कॉल किया, SHO सर ने तुरंत 10-12 मिनट के अंदर अंदर अपनी टीम भेजी और उन्होंने मेरी पूरी एप्लीकेशन ली, और जिसमें मैंने FIR मैंने नोट करवाई है, ये मेरे पास उसकी एक रिसीविंग कॉपी भी है, और बाकी उन्होंने मेरे को ये विश्वास दिलाया कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, जो SHO सर है मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि उस इंसान को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, ताकि घुमारवीं ऐसे शहर में शरेआम गुंडागर्दी जो हो रही है वो बंद हो सर। और दूसरी चीज, वो मेरे को इंसान मारने की धमकी देके गया है, जो हमारे उपायुक्त नए यहाँ पे आए हैं बिलासपुर में, पंकज राय जी, मैं उनसे भी गुहार लगाता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सर मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ईमानदार हूँ और मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अगर सर आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसी चीजें बिल्कुल खुलेआम होंगी, जो इंसान इतनी धमकी देके जा रहा है, तो सर एक आम आदमी हूँ मैं भी, आम आदमी हूँ, तो हमारे साथ अगर हम सेफ नहीं है सर यहाँ पे, तो कोई सर सेफ नहीं है। तो मैं यही विनती करता हूँ सर आपसे कि कृपया करके सर मेरे को न्याय दिलाया जाए, जो इस इंसान के ऊपर मुकदमा हुआ है उसको अरेस्ट किया जाए और सर मेरे को न्याय दिया जाए। थैंक यू सर, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता।